Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Myself, Dr. Saidan Rin, and today we are going to study about three phase AC supply, principle of metal detectors, and uh, a very important definition in AC supply that is choke. तो हम इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है वो आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ थ्री फेज़ एसी सप्लाई एसी सप्लाई जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई को हम कहते हैं कि जब आपका अल्टरनेट जो सोर्स है उसकी वो आपकी उसका जो वो क्रस्ट पोर्शन में भी जाए और साथ ही वो अल्टरनेट करके उसका ट्रफ पोर्शन भी जो है वो एक साइन वेव बनाए तो ये आपका ए सप्लाई होता है जिससे आपकी करंट और वोल्टेज जो है वो वेरी करती है वो एसी सोर्स कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट मिलती है उससे और अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स को हम आ, एसी सप्लाई कहते हैं अब थ्री फेज एसी सप्लाई का मतलब है कि अगर हम उस तरह के जो एसी सप्लाई है उसको हम फेज के लिहाज से पढ़ेंगे थ्री फेज में लगाएंगे तो आप उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज जो है वो अपटेन कर सकते हैं वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ए सी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ द कॉल पेयर ऑफ द स्लिपरिंग आपने देखा था कि ये जो ए सी सप्लाई है यानी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो एसी जनरेटर से प्रोड्यूस होती है एसी जनरेटर जो है जिसके अंदर वो कंसिस्ट करता है एक कॉयल पे कॉयल जो है वो आपके एक इंडक्टर को शो करता है विद अ पेयर ऑफ रिंग्स यानी उसके साथ

ए सी करंट जो है वो आपको वहाँ से मिलती है लेकिन जब हम थ्री फेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे तीन एक कॉयल की बजाय तीन कॉयल्स होंगी और तीनों कोयल्स जो है वो थ्री कायल्स इंक्लाइंड होंगी एट 120 डिग्री टू ईच अदर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कोयल आपकी एक इंडक्टर जो है वो ये है ए ए पॉइंट से जो आ रहा है एक इंडक्टर जो है वो बी पॉइंट से आ रहा है और तीसरा आपका जो इंडक्टर है जो तीसरी कोयल है वो इस तरह सी पॉइंट को शो कर रही है और इन तीनों काइल्स को तीनों इंडक्टर्स को आपने एक कॉमन जो इनका कनेक्शन वो एट द पॉइंट डी किया हुआ है और इस पॉइंट डी को जो है ये आपने ग्राउंड किया हुआ है यानी जीरो वोल्टेज जो आपने इसको है वो सप्लाई की हुई है इस पॉइंट डी को जब हम किसी को वर्चुअली ग्राउंड करते हैं तो वर्चुअली ग्राउंड का मतलब है कि हम उसको जीरो वोल्ट जो है वो सप्लाई करते हैं सो डी पॉइंट इन तीनों का कॉमन टर्मिनल है एट ए का भी बी का भी और सी का सी कॉयल का, का भी इन तीनों का कॉमन टर्मिनल जो है वो पॉइंट डी है और उसको हमने जीरो वोल्ट पे किया हुआ है इस इन तीनों को कॉमन जब हमने एक पॉइंट से कनेक्ट कर लिया तो बजाय हमारे पास छह वो होते देखें हर कॉयल के दो एंड है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इस तरह सिक्स होने थे लेकिन हमने चूंकि इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर लिया तो अब इसके सिक्स की बजाय अब इसके फोर पॉइंट है ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और ये जो पॉइंट डी है जिसको आपने जीरो अप्लाई किया तो देर आर द फोर पॉइंट ऑफ दी थ्री कॉल्स और हर कॉल के पास पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स है पहले हम कहते थे एक सिंगल कॉयल जैसे आपने ए सी जनरेटर में देखा था कि एक सिंगल कॉयल के पास पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स होते हैं तो यहां पे तीन कॉयल्स हर कोईल के पास पेयर ऑफ स्लिपिंग स्लिप रिंग्स स्लिप रिंग और स्लिप रिंग्स का काम ही ये होता है कि वो आपको एसी सोर्स वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करके देती है ठीक है अब आपने ये देखें ये जो तीन पेयर ऑफ द जो है वो कॉयल्स हैं आपने इन तीनों को किस तरह से आपस में कनेक्ट किया हुआ है 120 डिग्री के एंगल पे यानी ये जो कॉयल ए है ये 120 डिग्री एंगल पे है इंक्लाइंड है एट द विद रिस्पेक्ट टू द कोयल बी और कॉयल बी जो है वो 120 डिग्री के एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द कॉयल सी इसी तरह कायल सी जो है वो वन डिग्री के एंगल पे है विद रिस्पेक्ट टू द कॉय ए यानी इन तीनों का ए का बी के साथ एंगल वन डिग्री है और बी का सी के साथ एंगल 120 डिग्री है जो फेज है इनका और सी का ए के साथ एंगल जो है वो 120 डिग्री है इन तीनों कॉयल्स का आपस में ए बी और सी का 120 डिग्री का एंगल है इस तरह से तो ये इन, इन है 120 डिग्री का फेज शिफ्ट के साथ इन टू तो इच अदर ईच कनेक्टेड टू तो इट्स ओन पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स और हर एक जो है इनमें से वो कनेक्ट है अपनी ओन पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स के साथ वेन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री कॉयल्स रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉम्बिने इस तरह के कॉम्बिनेशन

थर्स थ्री वोल्टेज थर्स थ्री अल्टरनेटिंग वोल्टज आर जनरेटेड तो तीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो जनरेट होंगी द फेस डिफरेंस बिटवीन दिस वोल्टेजेज इज वन ट्वेंटी डिग्री क्योंकि ये तीनों कॉयल्स आपस में वन ट्वेंटी डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है इस तरह इसीलिए इनके दरमियान में जो फेस डिफरेंस है वो भी कितना होगा वन ट्वेंटी डिग्री का इट मीनस दैट वेन वोल्टेज अक्रॉस द फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स इज जीरो यानी अगर हम फर्स्ट पेयर ऑफ स्लिपरिंग के दरम्यान में अगर एक यानी पॉइंट डी को अगर हम जीरो वोल्ट भी वर्चुअली ग्राउंड पे कर दें हैविंग फ़ेज़ ऑफ़ जीरो और अगर पहला पहले का अगर हम फेज़ जो है वो ज़ीरो कंसीडर करें देन द वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स वुड नॉट बी ज़ीरो तो ये नहीं होगा कि अगर आप एक कॉयल से ज़ीरो जो आपको एक पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स जो है उसका फ़ेज़ ज़ीरो है तो वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंड पेयर ऑफ स्लिपरिंग्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगी यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर एक पेयर ऑफ़ स्लिपरिंग्स से आपको ज़ीरो वोल्टेज मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेकेंड से भी ज़ीरो वोल्टेज मिल ठीक है यही फायदा है थ्री फेज एसी सप्लाई का तो ये आपका थ्री फेज एसी सप्लाई है इसमें तीन फेजिज हैं तीन कॉयल्स हैं एंड ईच कॉयल है, है, है आ, हर कोयल के पास ईच कोयल हैज़ अ पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स और हर कोयल के पास पेयर ऑफ स्लिप रिंग्स हैं तो अगर एक के क्रॉस वोल्टेज जीरो भी होगी तो बाकी दो तो वर्क करेंगे उनके क्रॉस वोल्टेज जो है वो जीरो नहीं हो सकती ठीक है सो बट इट विल हैव अ फेज़ ऑफ वन डिग्री और इसका जो फेज़ है वो आपस में वन डिग्री का होगा सिमिलरली एट दिस इंस्टेंट द वोल्टेज जनरेटेड अक्रॉस द थर्ड पेयर विल हैव अ फेज़ टू फोर्टी डिग्री अच्छा अब अगर एक एक के क्रॉस जो अगर एक का फेज़ जो है वो जीरो है तो सेकंड का फेज 120 डिग्री का होगा तो फिर जो थर्ड का फेज़ है उसके लिहाज से वो 240 डिग्री होगा यानी 120 120 का फेज़ शिफ्ट है अगर एक कॉयल का फेज़ अगर हम उसके साथ देखें यानी अगर हम इन तीनों में से एक कोयल ए कंसिडर कर लें और कॉयल ए का अपने लिहाज से जो एंगल होगा अपना जो फेज़ होगा अगर वो ज़ीरो है क्योंकि जो सेल्फ एंगल होता है वो जीरो होता है तो अगर हम कॉयल ए के लिहाज से एंगल देखें तो कॉयल ए का अपने साथ एंगल तो ज़ीरो है लेकिन बी का ए के लिहाज से एंगल जो है वन ट्वेंटी डिग्री होगा तो फिर जो सी का uh, जो एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू द ए तो वो 120 ट्वेंटी प्लस वन वो 240 का एंगल हो जाएगा ठीक है सो so, अगर हम इन कॉयल बी और कॉयल सी का फेज़ देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द कॉयल ए तो कॉयल ए का अपने लिहाज से अगर फेज जीरो है तो बी का ए के लिहाज से 120 होगा और सी का ए के लिहाज से 120 ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी दैट इज टू होगा विद रिस्पेक्ट टू द कॉयल ए तो इस तरह से आप इसके फेज़ को देख सकते हैं सो so, द मशीन इंस्टेड ऑफ हैविंग सिक्स टर्मिनल्स मैंने आपको बताया था इसमें सिक्स टर्मिनल्स को जो या फोर टर्मिनल्स होंगे और फोर टर्मिनल्स बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल थ्री कोयल्स हैज कॉमन जंक्शन हमने इसमें डी बनाया विच इज ऑफन अर्थर्ड अर्थर्ड का मतलब होता है कि आप उसको जीरो वोल्ट पे कर देते हैं टू द शॉफ्ट ऑफ द जनरेटर एंड द अदर थ्री एंड ऑफ द कोयल्स आर कनेक्टेड जिस तरह से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है थ्री सेपरेट टर्मिनल्स ऑन द मशीन यानी ए बी और सी टर्मिनल्स पर आप उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है ठीक है दीज फोर टर्मिनल्स अलॉन्ग विद द लाइन एंड एंड द कोल्टैम यह जो आपने ये सारा फिगर में आए, ये सारा प्रोसेस देखा हुआ है द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द लाइन कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए बी एंड सी एंड द न्यूट्रल लाइन इज टू थर्टी यानी वोल्टेज अगर आप देखें तो एक कोयल जो है उसके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है टू थर्टी वोल्ट की तो कॉयल ए की अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू थर्टी वोल्ट है तो हर एक ए की भी बी की भी सी के भी हर एक की uh, अगर हम वोल्टेज ए के लिहाज से चेक करें जैसे हमने कहा था कि फेज अगर हम ए के लिए लिहाज चेक करें तो ए का अपने लिहाज से जो एंगल है वो जीरो होगा बी का ले ए के लिहाज से 120 और सी का ए के लिहाज से 240 था इसी तरह अगर हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज uh, अगर आप इधर से चेक करें कि विद रिस्पेक्ट टू दीरो जीरो वोल्ट आप uh, जो लाइन ए है आपका जो कॉयल ए पॉइंट है ए पॉइंट का अगर आप जीरो वोल्ट के लिहाज से वोल्टेज देखें तो वो टू थर्टी वोल्ट है इसी तरह बी पॉइंट है जो आपका उसका विद रिस्पेक्ट टू द जीरो वोल्ट वोल्टेज चेक करें तो वो भी टू थर्टी वोल्ट है इसी तरह जो सी टर्मिनल है उसकी भी विद रिस्पेक्ट टू द जो जीरो वोल्ट है वो उसके पास टू थर्टी वोल्ट है तो हर एक पॉइंट ए पॉइंट के पास भी टू थर्टी वोल्ट है बी पॉइंट जो कॉयल का है उसके पास भी टू थर्टी वोल्ट है और सी पॉइंट का भी टू वोल्ट है विद रिस्पेक्ट टू तो दिस अर्थर्ड जो कॉमन पॉइंट है जीरो वोल्ट जिसे आपने किया है। तो हर एक टू थर्टी वोल्ट टू थर्टी थर्टी वोल्ट है लेकिन अगर हम कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान में वैल्यूज निकाले यानी ए और बी के दरमियान में देख लें या बी और सी के दरम्या में देख लें या सी और ए के दरम्या में देख लें तो फिर कोई से दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो वोल्टेज है वो सम अप होके 400 वोल्ट जो है वो इन दो टर्मिनल्स के दरमियान में जो है वो वोल्टेज होती है किसी भी दो टर्मिनल्स के दौरान में चाहे आप बी के दरमियान में देख लें चाहे आप ए के दरम्यान में देख लें तो कोई से दो टर्मिनल्स के दरम्यान में जो वोल्टेज है वो फोर वोल्ट है तो ये सारा इसके अंदर प्रोसेस है हर एक टर्मिनल के पास टू वोल्ट है लेकिन किसी भी दो टर्मनल्स के दरम्यान में जब आप उसकी वोल्टेज देखेंगे तो वो फोर ड वोल्ट आएगा ठीक है द मेन एडवांटेज ऑफ हैविंग द थ्री फाइव अब ये इसके एडवांटेजेस हैं ये सारा हमने देख लिया किस तरह से प्रोसेस है अब इसका मेन एडवांटेज जो है ऑफ हैविंग अ थ्री फेज सप्लाई इज दैट द टोटल लोड ऑफ़ द हाउस और अ फैक्ट्री इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स सो दैट नन ऑफ द लाइन इज ओवरलोडेड यानी घरों में अगर ये थ्री फेज लगता है या फैक्ट्रीज में ज्यादातर लगता है तो उसका फायदा यह होता है कि कोई एक टर्मिनल भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं होता और वो ईजिली जो है वो आप बड़ी बड़ी अप्लाइंसिस बड़ी बड़ी मशीन्स जो है वो ईजिली आप उनको हैंडल कर सकते हैं वो वोल्टेज को यूज कर सकते हैं यानी कहीं भी बर्न आउट नहीं होता सर्कट जो है वो ऑफ नहीं होता आपका सो इफ हैवी लोड कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ द एयर कंडीशनर्स एंड जो मोटर्स हैं अगर आप उनको चलाते हैं सो so, इस सप्लाइड पावर फ्रॉम अ सिंगल फेस सप्लाई इट्स वोल्टेज इज लाइकली टू ड्रॉप एट फुल लोड तो अगर आप सिंगल फेस से कोशिश करेंगे कोई बड़ी हैवी मशीनरीज चलाने की uh, यानी uh, आप अपनी मोटर्स चलाएंगे बहुत ज्यादा या फिर अगर आप एयर कंडीशनर्स बहुत ज्यादा चलाते हैं तो सिंगल फेस से ये मसला हो जाएगा कि वो उसकी वोल्टेज जो है वो फुली लोडेड हो जाएगा और वो ड्रॉप हो जाएगी मोर ओवर द थ्री आल्सो आल्सो प्रोवाइड्स 400 वोल्ट विच कैन बी यूज्ड टू ऑपरेट सम स्पेशल अप्लाइंसिस रिक्वायरिंग 400 वोल्ट फॉर देयर ऑपरेशन और इससे ये भी फायदा होता है कि अगर हम कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में यानी ए बी बी सी या सी ए के दरमियान में अगर कोई अप्लायसेज हम अपनी चलाते हैं कोई से दो टर्नर के दरम्यान में तो हमें मैक्मम वोल्टेज मिल जाती है फोर हंड्रेड वोल्ट तो हम बहुत हैवी मशीनरीज जिनको बहुत ज्यादा वोल्टेज रिक्वायर होती है ज्यादातर फैक्ट्रीज वगैरह में जहां पर बहुत बड़ी जैसे राइस मिल्स हैं या फ्लोर मिल्स हैं वहां पे बहुत हैवी मशीनरीज चलनी होती है तो वहां पे ये 400 वोल्ट जो हमें मिलती है वो हमारे बहुत हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है तो ये फ़ायदा है हमें थ्री फेज ए सप्लाई का एक तो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है तीन हिस्सों में एक टर्मिनल अगर आपका एक फेज़ बंद भी हो जाए तो आपके दो फेज़ जो है वो काम करते रहते हैं और हम हैवी मशीनरीज चला सकते हैं आ, हैवी लोड्स उसके ऊपर चला सकते हैं और इस तरह दो जो फेज़ हैं उनके दरम्याण में आपको मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है फोर हंड्रेड वोल्ट की जिसपे आप और बड़ी मशीनरी जो है राइस मिल्स फ्लोर मिल्स में जो जरूरत होती है वो भी आप उस पर यूज़ कर सकते हैं सो so ये आपका था थ्री फ़ेज़ ए सी सप्लाई उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स मेटल डिटेक्टर्स भी आपके एल सी सर्कट से जो है वो बनते हैं मेटल डिटेक्टर्स वही होते हैं जो आप देखते हैं कि जब आप कहीं पे एंट्रेंस पे ज़्यादा लग लगते हैं या हाथ हाथ में भी लोगों ने पकड़े होते हैं मेटल डिटेक्टर्स और उसका काम ये होता है कि उसमें एल सी सर्कट होता है एल एल जो है वो एक इंडक्टर को शो करता है सेल्फ इंडक्टर और उसके पैरल में जो है सी एक कपैसटर जो है वो इन पैरल उसके लगता है सो दिस इज़ एन एल सी सर्कट और ये एल सी सर्कट इन पैरल इंडक्टर और कैपेसिटर इन पैरल जो ये मिलके एक आपका ऑसिलेटर सर्किट बी बना रहे हैं इसी तरह आपका एक ऑसिलेटर सर्किट ए है ये आपका एल सी सर्कट एक शो कर रहा है दिस इज ऑसिलेटर ए दोनों में कैपेसिटर जो है वो कांस्टेंट है इन दोनों सर्किट ऑसिलेटर ए में और ऑसिलेटर बी में जो आपका इंडक्टर है वो चेंज हो रहा है ये ऑसिलेटर बी के लिए जो इंडक्टर है वो एल बी है और जो ऑसिलेटर ए के लिए इंडक्टर आपने लगाया है वो एल ए है दोनों ऑसिलेटर्स ने इधर ये दोनों की फ्रीक्वेंसीज अगर आपस में थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज में आएगा तो आपको बीट्स प्रोड्यूस होंगी आपको पता है बीट्स उनको कहते हैं कि जब स्लाइड चेंज इन द फ्रीक्वेंसी आता है कहीं पे तो वो जो स्लाइड चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो आपको बीट्स प्रोड्यूस करके देता है ठीक है वो जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज होता है वो आपको क्या देता है स्मॉल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी वो आपको बीट देता है उसको आप एम्पलीफाई करके आपको स्पीकर से उसकी आवाज़ आती है वो वो तब आएगा डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी जब उसके सामने कोई मेटल की चीज आएगी क्योंकि ये मेटल डिटेक्टर है उसने मेटल को डिटेक्ट करना है तो अगर आप कोई मेटेलिक चीज उसके सामने रखेंगे तो दो ऑसिलेटर्स उसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं एक की फ्रिक्वेंसी में जरा सा स्लाइट चेंज आएगा तो फिर जब आप जिसके सामने मेटल पड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आएगा सेकंड ऑसिलेटर की वही फ्रीक्वेंसी होगी जो पहले थी सो यू कैन राइट एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए इन दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जो है वो आपको बीट्स नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड के इक्वल होता है उसको आप स्पीकर से जब एम्पलीफाई कर लेंगे तो आपको एक बीप की आवाज आती है ये जब भी आप कहीं मॉल्स में जाएंगे तो वो एक पूरा मेटल डिटेक्टर का वॉक थ्रू गेट लगा होता है इसके अलावा आप बरिड मटीरियल्स को देखने के लिए आपने देखा है बहुत बड़े बड़े मेटल डिटेक्टर्स होते हैं जो ब्रिड मटीरियल ब्रिड मेटल मटीरियल्स या जो है बॉम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यूज करता है अगर ज़मीन के अंदर कोई बरेड इस तरह की मेटेलिक चीज होती है या फिर आप ना, आप देख सकते हैं बड़े बड़े मॉल्स के बाहर गाड़ियों के नीचे उसको गाड़ियों को आ, चेक करने के लिए कार्स को चेक करने के लिए उनको मेटल डिटेक्टर से चेक किया जाता है कि उसमें कोई इस तरह की चीज तो नहीं है जो खतरनाक हो या फिर आ, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स भी यूज किए जाते हैं जिनको जिनसे आपके पर्स या चीजें जो है वो चेक की जाती हैं कि इसमें कोई मेटेलिक चीज तो नहीं है तो ये तमाम वो मेटल डिटेक्टर्स है चाहे वो बहुत बड़े हों बलिड मटेरियल्स के लिए हों चाहे वो कार की चेकिंग के लिए यूज होते हों चाहे वो हैंड हेल्ड हो वो सारे जो हैं मेटल डिटेक्टर्स उनमें यही ऑसिलेटर चेंज इन फ्रीक्वेंसी का प्रिंसिपल वर्क करता है कि एक और दो ऑसिलेटर्स उसके अंदर वर्क करते हैं ऑसिलेटर बना होता है एलसी सर्किट से जब आपका इंडक्टर और कैपेसिटर इन पैरल लगा होता है तो एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है तो उसका जब आप फ्रीक्वेंसी डिफरेंस लेते हैं दोनों ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसीज का तो फिर वहां से अगर तो कोई मेटेलिक चीज इसके सामने नहीं होगी तो फिर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी ऑसिलेटर ए और ऑसिलेटर बी की और जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो उनकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना कोई बीट प्रोड्यूस होगी और ना ही आपको स्पीकर पे कोई बीप की आवाज आएगी बीप की आवाज आपको तभी सुनाई देगी जब आ, बीट प्रोड्यूस होगी और बीट तब प्रोड्यूस होगी जब आप कोई मेटेलिक चीज एक ऑसिलेटर के सामने रखेंगे तो फिर वो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आएगा उन दोनों का वो बीट प्रोड्यूस करेगी जिससे बीप की आवाज आती है तो ये प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स अ अयॉल एंड अ कैपेसिटर आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विश टुगेदर कैन प्रोड्यूस द देशन ऑफ द करंट बेसिकली ये हम तमाम जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी जो हमने पहले जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने एसी के जितने कॉम्पोनेट्स पढ़े हैं रजिस्टर रिज, तो मैंने आपको कहा था एसी डीसी दोनों में यूज होते हैं उसके अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर जो स्पेसिफिकली एसी कॉम्पोनेट्स हैं एसी सर्किट के कॉम्पोनेट्स हैं उनकी ये सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थ्री फेज एसी सप्लाई के उसको हम किस तरह से थ्री फेज एसी सप्लाई हमें कितना फायदा देता है हमारी डेली लाइफ में ये उसकी एप्लीकेशन है इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मैटर डिटेक्टर हम किस तरह से मेटेलिक चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं ये इसकी एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपकी एसी सप्लाई की एसी सर्कट्स की हमें सर्कट कॉम्पोनेट्स जिसमें आपका कैपेसिटर आ जाता है इंडक्टर आ जाता है इनके कितने फायदे हैं हमारी डेली लाइफ में हम ये स्टडी करें सो अ कॉयल एंड अ आर इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेट्स विच आर टुगेदर कैन प्रोड्यूस द ऑफ द करंट एंड एलसी सर्किट बिहेव जस्ट लाइक एन ऑसिलेटिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम आपका जो इंडक्टर और कपेस्टिटर का पैरल सर्कट होता है वो बेसिकली एक ऑसिलेटिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है जिस तरह एक मैच स्प्रिंग सिस्टम जो है वो ऑसिलेट करता है अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन करता है उसी तरीके से एलसी सर्किट भी ऑसिलेशन प्रोड्यूस

इंडक्टेंसिज एल ए एंड एल बी आर द सेम उस सूरत में जो उन दोनों की इंडक्टेंसिज होंगी एल ए और एल बी वो सेम होंगी एंड द रेजोन सेम और इसलिए उन दोनों की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेम होगी व्हेन द इंडक्टर बी कॉल द सर्च कॉय इंडक्टर बी को हम सर्च कॉल कह रहे हैं ठीक है वो जो इंडक्टर बी आपने लगाया हुआ दैट इज द सर्च कॉयल कम्स नियर अ मेटल ऑब्जेक्ट जिसके जिसके सामने आपको मेटल ऑब्जेक्ट रखेंगे वो आपकी सर्च कॉयल है यानी वो बेसिकली वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है ना अगर उसके सामने मेटल रखा जाए तो वो एक सर्च कॉल के तौर पे वर्क करता है इट्स एन इंडक्टेंस एल बी डिक्रीज उसकी इंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होगी कब एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज जब उसकी इंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी तो उसकी जो oscillator, जो ऑसिलेटर फ्रीकुन्सी है वो इंक्रीज़ होगी एंड थाज बीट नोट इज़ हेयर्ड इन द अटैच स्पीकर और इस तरह से बीट नोट जो है वो आपको अटैच स्पीकर में सुनाई देगा ठीक है यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई मेटालिक चीज़ आप इसके सामने रखेंगे तो इसकी जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो रही है और जब आपकी इंडक्टेंस डिक्रीज होगी तो उसकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी और फिर बीट नोट आप उसका सुन सकते हैं स्पीकर के साथ ठीक है टेस्ट स्पीकर के साथ इस तरह सच डिटेक्टर्स आर एक्सटेंसिवली यूज नॉट ओनली फॉर द वेरियस सिक्योरिटी चेक्स बट आल्सो टू लिकेट बरिड मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक तरह का मेटल डिटेक्टर नहीं बहुत सारे मेटल डिटेक्टर होते हैं बरिड मटेरियल्स के लिए भी मेटल uh, ऑब्जेक्ट्स को uh, जो है वो ढूंढने के लिए सर्च करने के लिए भी यूज होते हैं इस तरह आप वॉक थ्रू गेट्स में भी वो यूज होते हैं इस तरह हैंड uh, हेल्ड भी यूज होते हैं यानी बहुत तरीकों से आप इन मेटल डिटेक्टर्स को यूज कर सकते हैं तो ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है एल सर्किट सर्कट पर वो बेस करते हैं और और हमने कहा कि जब उसके सामने कोई मेटैलिक चीज आप रखेंगे तो जब तक कोई मेटैलिक चीज उसके सामने नहीं होगी तो दोनों इंडक्टन सेम होंगी एल ए और एल बी की जैसे ही आप कोई मेटैलिक चीज उस सर्च कॉयल के सामने यानी इंडक्टर बी के सामने रखेंगे तो इंडक्टेंस डिक्रीज करेगी उसकी यानी एल भी डिक्रीज होगी और उसकी जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी है वो इनक्रीज़ होगी और फिर डिफरेंस इन फ्रिक्वेंसी ऑफ एल वो जो आपकी एफ़ ओ ए और एफ ओ बी जो डिफरेंस आएगा फ्रिक्वेंसी का वो बीट प्रोड्यूस करेगा स्मॉल बीट जिसको आप स्पीकर से सुन के जो है वो लार्ज नोट एम्पलीफाई करके लार्ज नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं सच वो जो फिर इस तरह का जो होगा वो सिक्योरिटी चेक्स में बीप्स की और साउंड की आवाज़ आपको साथ ही आ जाएगी कि जहाँ पर कोई मोटेलिक चीज़ मौजूद है तो आपको पता चल जाएगा तो ये एक अनदर एप्लीकेशन थी आपकी एसी सोर्स की एक हमने प्रैक्टिकल थ्री फेज ए सी सप्लाई कि वो कैसे हाउस हाउसेज हाुस, में या फैक्ट्रीज में किस तरह से यूज़ होती है उसके अलावा ये जो आपने प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स है ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में हमारी एलसी सर्किट की और एसी सर्किट्स की उन एसी सर्कट कॉम्पोनेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर ठीक है अब आ जाता है चौक चौक भी बहुत इंपॉर्टेंट और जो डेफिनेशन बहुत दफा जो है लास्ट टाइम पेपर्स में आई हुई है कि वट इज चौक सो इट इज ये बेसिकली चौक एक, एक इंडक्टर ही होता है जब भी हम कॉयल का नाम लेते हैं तो कॉयल का मतलब है एक इंडक्टर सो इट इज अ अल चोक क्या है ये है कंसिस्ट ऑफ द थिक कॉपर वायर वाउंडेड क्लोजली इन अ अ लार्ज नंबर ऑफ ओवर सॉफ्ट आयरन लेटेड कोर यानी एक सॉफ्ट आयरन बार होता है और उस आयरन बार के ऊपर ये जो आ, आपकी टर्न टर्न नंबर ऑफ टर्न जो है आप ले सकते हैं थिक कॉपर वायर की ये बेस ये उसी तरह है बिल्कुल आपने जैसे देखा होगा जैसे हमने बात की थी सोलिनाइड की तो इट इज जस्ट लाइक अ सोलिनाइड जैसे सोलिनाइड में सॉफ्ट आयरन बार

बेशक रेजिस्टेंस इसमें स्मॉल होती है लेकिन रेजिस्टेंस इसकी होती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से ये करंट की वैल्यू को लिमिट कर देता है लिमिट करने का मतलब है जैसे ये ज़्यादातर इसका जो चौक का मेन फंक्शन होता है ये ट्यूबलाइट्स के अंदर होता है अब तो हम खैर ट्यूबलाइट्स इतनी यूज़ नहीं करते लेकिन ट्यूबलाइट्स वगैरह जब हम यूज़ करते थे तो उसके सेंटर में चौक लगी होती थी और उस चौक की वजह से क्या होता था जब बहुत ज्यादा एकदम से तेज लाइट आ जाती है ज्यादा वोल्टेज जा आ जाती है या कम वोल्टेज आती है तो वो एकदम से सर्किट को बर्न आउट उस ट्यूबलाइट को बर्न आउट नहीं होने देता ठीक है तो वो क्या करता था करंट को लिमिट एकदम से अगर बहुत ज्यादा करंट आ गई है सर्किट में तो वो उस करंट की वैल्यू को लिमिट करके चूंकि उसके पास रेजिस्टेंस होती है चाहे स्मॉल रेजिस्टेंस है वो उस करंट को लिमिट कर देता है विद एक्सट्रीमली स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी और बहुत कम पावर लॉस के साथ वो करंट की वैल्यू को लिमिट करता है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस और अ रियो अगर आप उसकी बजाय कोई रियोस्टैट लगाएं या कोई रेजिस्टेंस लगाएं सर्कट में तो रेजिस्टेंस और रियोस्टैट का तो काम ये है ना कि वो करंट की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं लेकिन चौक जो है हम कह रहे हैं ये करंट को डिक्रीज नहीं करता ये करंट की वैल्यू को लिमिट करता है लिमिट करने का मतलब है कि करंट को एकदम से अगर बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ गई है तो सर्किट बर्न आउट होने की बजाय उसकी करंट को लिमिट करके सर्किट को प्रॉपर वर्क कराएगा तो ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है ये इसमें पावर लॉस भी कम होता है एनर्जी लॉस वेस्टेज ऑफ एनर्जी भी कम होता है और ये रेजिस्टेंस के मुकाबले में ज्यादा अच्छा है क्योंकि रेजिस्टेंस तो करंट को डिक्रीज करता है ये सिर्फ करंट को लिमिट करता है रेजिस्टेंस लगाएं या रियूस ट्रैट लगाएं उससे करंट की उसका उससे पावर लॉस और एनर्जी लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं जबकि चोक जो है वो सिर्फ लिमिट करता है करंट को और पावर लॉस भी कम करता है ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी वट इज चोक तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये जितने पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं आपने अच्छे से पिक कर लिए होंगे और फिर भी अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो कोई बात समझ में ना आई हो तो यू कैन कमेंट द कमेंट सेक्शन अंडर द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें दुआ में याद रखें icon ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट इफ यू नॉट take सब्सक्राइब Allah चैनल